हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इसके इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले। स्टॉक की बात करें तो सामुदर मदर सत्सुमी का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्टॉक जो है ना मैंने आप लोगों को 68 के भाव के अराउंड मैंने आप लोगों को बाइंग करने के लिए दे दिया था। 68 से 65 से 68 का जो जोन था उसी मेरे को याद है दोस्तों, उसी प्राइस के ऊपर मैंने आप लोगों को इसके अंदर एक वीडियो बना के दे दी थी। यहाँ से आने वाले टाइम में आप लोगों को एक अपर साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। बहुत से लोग डर गए थे दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रैपिंग लेवल आप लोग देख रहे हो एग्जैक्टली इसी ट्रैपिंग लेवल का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। ट्रैपिंग लेवल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ट्रैपिंग लेवल कहाँ से किस तरीके से मोमेंटम आती है ट्रैपिंग लेवल से, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो 67 से कंटिन्यू दोस्तों 2 या 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को स्टॉक दिया था, जब इसके अंदर बढ़िया गिरावट देखने के लिए मिली थी। नियर बाय इंट्राडे के अंदर 7 to 8% का फॉल इसके अंदर देखने के लिए मिला था। फिर भी दोस्तों मैंने इसके अंदर एक आप लोगों को बता दिया था वीडियो के थ्रू कि इसके अंदर यहीं से एक अपर साइड की मोमेंटम को आ सकती है और जो लोगों को बाइंग करना है लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी लेवल का सपोर्ट लेते हुए मदर सत्सुमी का स्टॉक आप लोगों को बहुत बढ़िया अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा और रिजल्ट आपके सामने दोस्तों नियर बाय 81 के भाव के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 67 से 81 नियर बाय 20% की अपर साइड हमने इसमें अंदर ऑलरेडी कैप्चर कर लिए। ये जो लेवल है ना दोस्तों 67 से 64 से 67 ये बाइंग जोन क्यों था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा बैठ रहा था और मार्केट क्या करता है जो डरा देता है बुल्स को और वहाँ से फिर अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। होप्स को खत्म करने के बाद बायर्स को यहाँ पे बायर्स लेके आते हैं यहाँ पे स्टॉक को ऊपर। अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाले टाइम में इसके कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, अगर ये स्टॉक 88 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, कोई भी डेली कैंडल आप लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है तो इसके अंदर आप लोग आराम से एक अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए देख सकते हो इस स्टॉक को। लेकिन दोस्तों अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी और मिलता है ना तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक एवरेजिंग का इसके अंदर चांस मिलने वाला है। अगर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं जहाँ से स्टॉक आने वाले टाइम में एवरेजिंग का चांस अगर इसने दिया ये लेवल के ऊपर, तो आप लोगों को यहीं से एक अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए स्टॉक को देख सकते हो। अगर स्टॉक की बात करें ना तो 50,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ी अपर साइड आ सकती है। बहुत बढ़िया जो ऑल टाइम हाई का इसका ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्टॉक है ना ये मल्टीपैगर की तरह भी प्रूव हो सकता है और मेरा टारगेट इसके अंदर बहुत बड़ा है दोस्तों। नियर बाय 100+ के ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ आराम से आने वाले 6 महीने के अंदर। एक सेकंड, अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्लान बताता हूँ कहाँ पे अपना बाय होने वाला है, कहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट्स, और जो लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है ना उनको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन लगा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को बाइंग स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने हैं। सबसे पहले इसी लेवल के भाव के आसपास आप लोगों को बाय करना है। ये जो भाव है ना नियर बाय, अगर मैं आप लोगों को 76 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने वाले नहीं है अपन। 67 के भाव के आसपास आप लोगों को इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा देना है और टारगेट मिनिमम दोस्तों 130 का स्टॉप टारगेट इसके अंदर लगा के रखना है। पहला टारगेट है ना तो आप लोगों को 92 के भाव के आसपास लगाना है। जो सेकंड टारगेट होने वाला है आपका जो 110 के अराउंड आप लोगों को सेकंड टारगेट लगाना है, क्योंकि ये जो है ना पूरे के पूरे ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों। आने वाले टाइम ये ट्रैपिंग लेवल्स को आप लोग क्या करना है, प्लॉट करना है और इसके ऊपर अलर्ट सेट करके रख देना है। आप लोगों को इसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट टारगेट अपना होने वाला है 87, सेकंड टारगेट की बात करें तो नियर बाय 106 से 109 का एरिया, और थर्ड टारगेट जो देखेंगे ना दोस्तों तो 130, क्योंकि थर्ड टारगेट के बाद में दोस्तों इसको आराम से आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि एक बार ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो गया तो ये स्टॉक 150-200 को भी लेवल दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक लग रहा है मुझे और आने वाले टाइम में इसी जो स्टॉक है ना यही लेवल के आसपास से आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपर साइड लेके आते हुए दिख सकता है दोस्तों। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों डेली लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।